हाय एवरीवन, कार्बोक्सिलिक एसिड्स का फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देख रहे थे हम लोग। उसमें से फिजिकल स्टेट और सॉल्युबिलिटी के बारे में डिस्कस करा था हमने। अब आता है इसके लिए मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। दोनों का अलग अलग तरीके से वेरिएशन है, तो पहले बॉइलिंग पॉइंट हम लोग देखते हैं। बॉइलिंग पॉइंट्स, अब बॉइलिंग पॉइंट भी दो चीज़ पे डिपेंड करता है, एक मोलर मास पे और दूसरा मॉलिक्यूल के बीच का इंटरैक्शन पे। बॉइलिंग पॉइंट जो है डिपेंड करता है दो चीज़ों पे, मोलर मास और इंटर मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन। इन दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। मोलर मास से कभी कदाल डोमिनेट कर जाता है इंटर मोलिकुलर इंटरैक्शन, माने डोमिनेट बेसिकली यही करता है। मोलर मास कभी डोमिनेट करे ऐसा होता नहीं है, इंटर मोलिकुलर फोर्स या इंटरैक्शन हमेशा डोमिनेट करता है। अब यदि मोलर मास हम लोग कंपेरेबल लग करके चलें, मोलर मास यदि हम लोग कंपेरेबल रख करके चलें, तो उस केस में हाइड्रोकार्बन्स हो, अल्केन अल्किल अल्काइन सब, हैलोजन कंपाउंड्स हो, अल्कोहल हो या एल्डिहाइड कीटोन हो, बीच में ईथर को भी इंक्लूड किया जा सकता है, इन सब के तुलना में जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कार्बोक्सिलिक एसिड का ज़्यादा होता है। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज हायर देन दैट ऑफ हाइड्रोकार्बन, हैलोजन कंपाउंड, अल्कोहल, ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस। वजह इसका है, इसके पहले हम लोग एग्जांपल देख लें। जैसे कंपाउंड में मान के चलो लिया जाए C4H10 एन ब्यूटेन, फिर लिया जाए अल्डिहाइड का प्रोपेनल, फिर लिया जाए कीटोन का प्रोपेनोन, फिर लिया जाए अल्कोहल का 1-propanol CH3CH2CH2OH 1-propanol, और फिर लास्टली एसिटिक एसिड का। अब यदि इन सब के मॉलिकुलर मास की बात करें हम लोग, तो मोलर मास 58, 60, ये सब के सब ग्राम पर मोल में होंगे मोलर मास। अब इनके लिए बॉइलिंग पॉइंट यदि कंपेयर किया जाए, तो ये है 309 केल्विन, ये है 322 केल्विन, दिस इज 329 केल्विन, दिस इज 370 केल्विन एंड दिस वन इज 390 केल्विन। ऐसा तो मॉलिकुलर मास लगभग सेम है सबका, लगभग 58 58, ये तीनों का तो एकदम आइडेंटिकल है। उधर 60 60 है, 58 और 60 दो यूनिट मास का अंतर है, तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं कहा जा सकता है। तो ये सबके सब कंपेरेबल मोलर मास हुए। उसके बावजूद बॉइलिंग पॉइंट को देखो तो काफ़ी अंतर है। बॉइलिंग पॉइंट में 1-2 केल्विन का अंतर नहीं है, मास में 1-2 यूनिट का अंतर है, 2 यूनिट का है बॉइलिंग पॉइंट में तो बहुत ज़्यादा का अंतर है। अब एन ब्यूटेन का 58 है मास और एसिटिक का 60 है, 2 यूनिट का अंतर। लेकिन वही देखोगे तो एन ब्यूटेन का बॉइलिंग पॉइंट 309, उसका 390 है, मतलब 81 केल्विन ज़्यादा है, 81 डिग्री ज़्यादा है। तो यह वेरिएशन क्यों है? तो मास जब सेम है तो फिर क्या बोले, इंटरमोलिकुलर इंटरैक्शन देखेंगे। बड़ा आसान सा चीज़ है,
अल्केन प्योरली नॉन पोलर होते हैं, जिसमें वीकेस्ट फोर्स लगता है, जिसे हम लोग डिस्पर्सन फोर्स कहते हैं, लंदन फोर्स कहते हैं, या इंस्टेंटेनियस डायपोल, इंड्यूस डायपोल कहते हैं। ठीक है, तो डिस्पर्सन फोर्स आ गया इसमें एन ब्यूटेन में। अब बचा यहाँ से प्रोपेनल, तो प्रोपेनल और प्रोपेनॉन मैंने एल्डिहाइड कीटोन का हम लोग पहले से देख चुके हैं कि इनमें होता है डायपोल डायपोल, इन दोनों में। अल्कोहल में हमने देखा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और एसिटिक एसिड में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब यदि इन सारे फोर्स के स्ट्रेंथ की बात किया जाए तो डिस्पर्सन फोर्स से स्ट्रांग है डायपोल डायपोल, डायपोल डायपोल से कहीं स्ट्रांग है हाइड्रोजन बॉन्ड। अब इन दोनों में यदि हाइड्रोजन बॉन्ड है तो फिर इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट में इतना अंतर क्यों? मास तो एकदम सेम है, 60-60। बॉइलिंग पॉइंट में बहुत ज़्यादा अंतर है, 20 केल्विन का अंतर है, बहुत होता है ऐसा। तो फिर यहाँ क्यों दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? तो इसका मतलब साफ है कि एसिड में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा वो ज़्यादा स्ट्रेंथ का होगा अल्कोहल से। एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि व्हाई कार्बोक्सिलिक एसिड हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन अल्कोहल ऑफ कंपेरेबल मॉलिकुलर मास। कि कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट उस अल्कोहल से ज़्यादा होता है मॉलिकुलर मास जिसका सेम हो, इसका दोनों का एक जैसा हो, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसी को समझते हैं, डाटा दिए, डाटा के आधार पे हम लोग अब निष्कर्ष निकालेंगे कि क्यों ऐसा हुआ। एक तो बात यहाँ से पता चली गया, इनमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रहा, अल्केन में डिस्पर्सन था, सबसे कमजोर फोर्स होता है, ये दोनों में डायपोल डायपोल स्ट्रांग होता है, इससे स्ट्रांग है तो ज़्यादा, फिर इसमें कीटोन का ज़्यादा क्यों, ऑलरेडी कर चुके हम लोग। अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड का कंपेरिजन बच गया है, क्योंकि दोनों का मास सेम है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही है दोनों में, तो इसके बावजूद फिर एसिड का उतना ज़्यादा कैसे हो गया अल्कोहल से भाई? तो इसका साफ मतलब निकलता है कि वहाँ का हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा मजबूत होगा एसिड वाले का, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है ये कॉमन हुआ, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्ड सेम स्ट्रेंथ का बन रहा है तो जरूरी नहीं है, सेम स्ट्रेंथ का बनता तब फिर सेम ही होता बॉइलिंग पॉइंट, तो ऑब्वियसली अलग अलग स्ट्रेंथ का बन रहा होगा। कैसे इसको समझेंगे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि व्हाई कार्बोक्सिलिक एसिड हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट, व्हाई कार्बोक्सिलिक एसिड हैज हायर बॉइलिंग पॉइंट देन अल्कोहल ऑफ कंपेरेबल मोलर मास। कंपेरेबल मोलर मास वाले अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट क्यों ज़्यादा होता है? तो इसका कंपैरिजन ज़रा सुनोगे काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अल्कोहल इज दिस वन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड इज दिस वन, सो व्हाट इज द कॉमन इन दिस टू? इन दोनों में कॉमन क्या है? OH इज कॉमन, और OH यदि दोनों में कॉमन है तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से माइनस प्लस, यहाँ भी माइनस प्लस, और माइनस प्लस मीन्स बॉन्ड पोलर, यहाँ भी बॉन्ड पोलर। लेकिन क्या दोनों ग्रुप का पोलैरिटी एक जैसा है या फिर अलग अलग है दोनों का पोलैरिटी? तो इस पोलैरिटी को ही समझेंगे तो फिर हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ समझ में आ जाएगा, जो ग्रुप ज़्यादा पोलर होता है वो ज़्यादा मजबूत हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो अब देखोगे तो यहाँ OH के बगल में यह अल्काइल ग्रुप है, फिच वन इज एन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जबकि यहाँ कार्बोनिल है, फिच वन इज एन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। यह बॉन्ड पोलर क्यों हो रहा था? क्योंकि ऑक्सीजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को विथड्रॉ कर रहा था। अब यहाँ ऑक्सीजन के बगल में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है जो कि अपना इलेक्ट्रॉन इधर से देगा ऑक्सीजन को, तो क्या है ऑक्सीजन अभी भी हाइड्रोजन का उतना ही इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा जितना पहले से कर पा रहा था? एक आइसोलेटेड OH ग्रुप को ले तो नहीं करेगा ना, क्योंकि ऑक्सीजन को अब इधर से भी इलेक्ट्रॉन मिलने लगा तो इधर से उतना नहीं होगा, ऐसा कम लेगा, पार्शियल दिखा रहे हैं डॉटेड लाइन। लेकिन यहाँ कहानी कुछ अलग है, यहाँ वो के बगल में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है जो करेगा क्या कि ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा।
अरे भाई, तो ऑक्सीजन तो एक वैसे भी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ले ही रहा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से, अब यहाँ ऑक्सीजन का भी इलेक्ट्रॉन लेने वाला कोई और आ गया है। तो इस तरह से ऑक्सीजन का जो है अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और बढ़ेगा और ये और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा इसका, वो इसका और भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। तो अब यहाँ से क्या होगा कि यह जो ग्रुप है इसमें या जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो ज़्यादा होगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हुई, अल्काइल इलेक्ट्रॉन देने वाला आ गया। इसको हम लोग लिख सकते हैं लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, जबकि यहाँ वाला ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन। आइसोलेटेड ऑक्सीजन से मैंने एक ही ऑक्सीजन है, एक ओ पे माइनस है, एक ओ पे प्लस है, पूछे कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, प्लस वाला ऐसे। तो अब यदि यहाँ ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो ऑब्वियसली जो इसमें बॉन्ड होगा वो ज़्यादा पोलर हो जाएगा, तो यहाँ का बॉन्ड जो है मोर पोलर हुआ और यहाँ का जो बॉन्ड है वो लेस पोलर हुआ। मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड में हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज मोर पोलर देन द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ अल्कोहल, और चूंकि अब बॉन्ड का पोलैरिटी ज़्यादा है तो यह जो है मजबूत हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड विल बी मोर, हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा इसमें कम होगा, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड विल बी लेस, ऐसा कहानी है इसमें। एक वजह ये हुआ पोलैरिटी का। दूसरा वजह इसमें है कि जैसे अल्कोहल का हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम लोग दिखाते हैं तो कैसे दिखाते हैं, इस तरह से ओ पे माइनस प्लस प्लस माइनस यहाँ हाइड्रोजन अल्कोहल का, लेकिन वही कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए दिखाओगे तो आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, यहाँ भी सी ओ एच डबल बॉन्ड ओ आर, तो ये माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ यहाँ, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड में दो दो जगह हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, इसमें एक जगह बन रहा है। तो यहाँ भी वही कहानी है कि जब कार्बोक्सिलिक एसिड में दो दो जगह हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है तो इसके दो मॉलिक्यूल्स आपस में मिल करके रहेंगे डाइमर के रूप में, यहाँ वैसा नहीं होगा, ये आइसोलेटेड ही रहेंगे, जुड़ रहे हैं लेकिन वैसे डाइमर तो नहीं ना बन रहा है उसमें। तो दो वजह हुआ, एक वजह कि कार्बोक्सिलिक एसिड का हाइड्रोक्सिल ग्रुप ज़्यादा पोलर है तो मजबूत हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, पहला वजह, और दूसरा वजह हुआ यहाँ का कि दो दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, तो एक तो इसका हाइड्रोजन बॉन्ड भी मजबूत है और ऊपर से संख्या भी ज़्यादा है, तो मजबूत बॉन्ड भी है संख्या में भी ज़्यादा है, तो डेफिनेटली इसी का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। इसी को लैंग्वेज में जो है लिखा हुआ है, नोट से पढ़ोगे कि द हाइयर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड कंपेयर टू अल्कोहल इज ड्यू टू द फॉलोइंग रीजंस। दो कारण बताएंगे, पहला कि एज कंपेयर टू अल्कोहल्स द ओएच बॉन्ड इन कार्बोक्सिलिक एसिड इज मोर स्ट्रांगली पोलराइज्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एडजेसेंट इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग कार्बोनिल ग्रुप, देयरफॉर कार्बोक्सिलिक एसिड्स कैन फॉर्म अ स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड देन अल्कोहल, and the second reason is the molecules of carboxylic acids are held together by two hydrogen bonds and therefore form cyclic dimer। और ये दो वजह के चलते ज़्यादा है, ऐसे करके इसको दिखा दोगे, एक्सप्लेन कर दोगे, हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब यदि केवल कार्बोक्सिलिक एसिड की ही बात करें तो कंपेरिजन का बात हुआ, केवल कार्बोक्सिलिक एसिड की ही बात करें तो फिर नॉर्मल सा बात है कि जैसे जैसे मोलर मास बढ़ेगा वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ते जाएगा, इंक्रीज करते जाएगा। तो एमंग कार्बोक्सिलिक एसिड्स विद द इंक्रीज ऑफ मोलर मास द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज, माने मिथेनोइक एसिड से ज़्यादा इथेनोइक का, उससे ज़्यादा प्रोपेनोइक का, उससे ज़्यादा ब्यूटेनोइक का, ऐसे करके होगा। अब आ जाएं मेल्टिंग पॉइंट में, मेल्टिंग पॉइंट की बात कर लें जरा हम लोग। मेल्टिंग पॉइंट में भी जो है ना बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसमें, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है।
मेल्टिंग पॉइंट में। मेल्टिंग पॉइंट इसमें है कि किसी से कंपैरिजन नहीं है, खुद कार्बोक्सिलिक एसिड में देखना है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड विथ इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट देन द नेक्स्ट या देन द एडजेसेंट लोअर एंड हायर कार्बोक्सिलिक एसिड विथ ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम। मतलब कि तीन चार पाँच, एक तीन कार्बन का एसिड हो, एक चार कार्बन का एसिड हो, एक पाँच कार्बन का एसिड हो, तो इसमें चार कार्बन वाला का मेल्टिंग पॉइंट तीन वाला से भी ज़्यादा होगा, पाँच वाला से भी ज़्यादा होगा, दोनों से। क्यों ज़्यादा होगा इसी को समझना है। एग्जाम्पल में जैसे है कि तीन कार्बन का प्रोपेनोइक एसिड है, इसका मेल्टिंग पॉइंट है 251 केल्विन, पाँच वाले का है 237 केल्विन, और जो चार कार्बन है ब्यूटेनोइक एसिड इसका है 267 केल्विन, और अंतर बहुत ज़्यादा है। ऐसे इवन कि पाँच वाला का तो कम है तीन वाला से भी, तो इवेन नंबर ऑफ कार्बन जो है एसिड में उसका मेल्टिंग पॉइंट बोल रहा है कि अगल बगल जो ऑड नंबर ऑफ कार्बन वाले ग्रुप हैं उससे ज़्यादा होगा। और ज़्यादा क्यों होगा, तो यह डिपेंड करता है उसके लैटिस पर, मॉलिकुलर अरेंजमेंट पर। और इसको हम लोग ब्यूटेनोइक और पेंटेनोइक से समझते हैं कि यदि ब्यूटेनोइक एसिड है तो इसका अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होगा, ऐसा ब्यूटेनोइक एसिड। अब यदि पेंटेनोइक एसिड है तो इसका इस तरह से होगा स्ट्रक्चर, CH3CH2CH2CH2COOH, इस तरीके से पेंटेनोइक। तो दोनों अरेंजमेंट में अंतर क्या है, बस उसको समझ लो, काम हो जाएगा। अंतर है कि यहाँ जो टर्मिनल ग्रुप्स हैं वे अपोजिट साइड है, CH3 नीचे की ओर है तो या COOH ऊपर की ओर है। मतलब इसमें ग्रुप का अरेंजमेंट कुछ ऐसा है, देखो ऐसा ऐसा ऐसा। अब इस तरह से बहुत सारे मॉलिक्यूल जो है एक दूसरे से क्लोजली पैक्ड हो सकते हैं, ऐसे। इसमें अरेंजमेंट कुछ ऐसा है कि जो टर्मिनल ग्रुप है दोनों सेम साइड है, चाहे दोनों डाउनवर्ड रहेगा चाहे दोनों अपवर्ड, तो इसमें इस तरह का अरेंजमेंट है। चलो देखो, इसमें ठीक है कि ऐसा ही अरेंजमेंट हो सकता है, लेकिन यदि मान लो कि यह सिस्टम कहीं ऐसा हो तो जब इस तरह का यदि अरेंजमेंट आएगा तब तो फिर यहाँ क्लोज पैकिंग नहीं हो पाएगा ना, अटक जाएगा ये ऐसे। तो जब इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम है तो इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम होने से क्या है कि मॉलिकुलर अरेंजमेंट इस तरह से होता है कि वे एक दूसरे के सफिशियंटली क्लोज हैं, तो मजबूत इंटरैक्शन होता है, एक मजबूत फोर्स डेवलप होता है वहाँ। जबकि इस तरह का अरेंजमेंट होने से हो सकता है कि लैटिस में कहीं इस तरह का गड़बड़ी आवे, तो फिर यहाँ क्या होगा कि मजबूत इंटरैक्शन पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और यही वजह है कि इवन नंबर वाले का जो मेल्टिंग पॉइंट है वह बगल वाले जो ऑड नंबर के कार्बन के कार्बोक्सिलिक एसिड हैं उसके तुलना में ज़्यादा होता है, अधिक होता है। मॉलिकुलर अरेंजमेंट सिंपली है बस। अब यदि इनको कंपेयर किया जाए एरोमेटिक एसिड से, तो एरोमेटिक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट हमेशा ज़्यादा होगा एलिफेटिक से, याद रखना है। मेल्टिंग बॉइलिंग दोनों की, जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है एरोमेटिक एसिड का, मैंने बेंजोइक एसिड का, वह एलिफेटिक वाले से हमेशा ज़्यादा होगा। अब उसका ज़्यादा क्यों होगा, ज़रा ये देख लो। इनमें से जब ये एलिफेटिक सिस्टम होंगे तो अरेंजमेंट यहाँ देखो चाहे यहाँ देखो, दोनों अरेंजमेंट जिगजैग है, और जिगजैग वजह के होने के वजह से बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस ज़्यादा रह जाएगा, और स्पेस ज़्यादा रह जाएगा तो इंटरैक्शन थोड़ा कमज़ोर होगा, चाहे इसमें रहे चाहे उसमें रहे। लेकिन यदि वह एरोमेटिक सिस्टम है तो हम लोग जानते हैं कि एरोमेटिक सिस्टम प्लानर नेचर का होता है, एरोमेटिक सिस्टम प्लानर नेचर का है। अब प्लानर है तो इसी के ऊपर कई मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं,
ऐसे करके हैं, फिर ऐसे ही रहेगा ऐसे। तो प्लानर होने के वजह से एरोमेटिक सिस्टम, इसके मॉलिक्यूल्स ज़्यादा क्लोजली पैक्ड होते हैं एलिफेटिक वाले से, इसलिए एरोमेटिक का जो है मेल्टिंग पॉइंट व या बॉइलिंग पॉइंट वो हमेशा ज़्यादा होगा एलिफेटिक से। नोट्स में डिटेल में है, उसे आप देखोगे, करोगे, समझोगे, क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से फिजिकल प्रॉपर्टी समाप्त हुआ कार्बोक्सिलिक एसिड का। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए कि आखिर कार्बोक्सिलिक एसिड का एसिडिक नेचर क्यों है, वेरिएशन क्या है एसिडिक नेचर का, किस तरह के सब्स्टिट्यूएंट आने से कैसा एसिडिक स्ट्रेंथ आएगा इनमें, इन सारे फैक्टर्स को अब डील करना है। सो एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कि आखिर कार्बोक्सिलिक एसिड में वैसा क्या खास है, कार्बोक्सिलिक एसिड में वैसा क्या खास है कि यह एसिड है। तो वजह एकदम साफ है कि दिस वन इज कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक। अब इसमें से यह ग्रुप है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पूरा करेगा, क्या इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करेगा दोनों तरफ से, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा विड्रॉ करेगा एक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से, और दूसरा इसके कसर से कि मेरा भी इलेक्ट्रॉन कोई ले रहा है तो हम तुम्हारा ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लेंगे। तो इस वजह से क्या होगा कि हाइड्रोजन को ना चाहते हुए भी यहाँ से एलिमिनेट होना होगा, मतलब कि यह जो बॉन्ड हुआ हाईली पोलर नेचर का हो गया, और हाईली पोलर नेचर का होने के वजह से हाइड्रोजन को एलिमिनेट होना पड़ेगा, बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन ले लेगा ऑक्सीजन। तो आर सी डबल बॉन्ड ओ, और यहाँ ओ पे अब आ जाएगा माइनस एच प्लस। और जब कोई सब्सटेंस एच प्लस रिलीज करता है तभी तो वह एसिड कहलाता है। अर्हेनियस या प्रोस्टेट का जो कंसेप्ट है कि एच प्लस रिलीज करे तभी वह जो है सो एसिड है, ऐसा। एच प्लस एक्वस मीडियम में रिलीज करे तो अर्हेनियस एसिड, एच प्लस नॉन एक्वस मीडियम में रिलीज करे वाटर के अलावा किसी भी मीडियम में तो ब्रोंस्टेड एसिड, ठीक है। तो ये वैसे भी रिलीज कर सकता है नॉन एक्वस मीडियम में भी और एक्वस मीडियम में भी कर सकता है। एक्वस मीडियम में इसी इक्वेशन को लिखोगे तो ऐसे आर सी ओ एच एच टू ओ इक्विलिब्रियम आएगा आर सी ओ ओ माइनस प्लस एच थ्री ओ प्लस। अब यदि यह सिस्टम यहाँ एसिड है तो ये सिस्टम यहाँ बेस हो जाएगा, तो यह उसके लिए कहलाएगा कॉन्जुगेट बेस इस एसिड के लिए, और इसके लिए कहलाएगा कॉन्जुगेट एसिड, ऐसा। अब जो एक बेसिक सा प्रिंसिपल है कॉन्जुगेट एसिड बेस के हिसाब से कि यदि कोई एसिड एच प्लस रिलीज करता है और वह अपना कॉन्जुगेट बेस बनाता है, और यदि उसका कॉन्जुगेट बेस का रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ज़्यादा है या किसी भी तरीके से स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो उसका H प्लस रिलीजिंग टेंडेंसी जो है बढ़ता है। तो यहाँ से यह जो कार्बोक्सिलेट बना इसका रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है, या देखो ऐसे ऐसा आर सी ओ पर माइनस डबल बॉन्ड ओ, इसी का रेजोनेंस दिखाएंगे तो आर सी ओ ओ ऐसे माइनस माइनस रेजोनेंस स्टेबलाइज हो गया, कार्बोक्सिलेट आए, रेजोनेंस यहाँ भी होगा, ऐसा बात नहीं है कि यहाँ नहीं होगा, रेजोनेंस यहाँ भी होगा ऐसे, लेकिन यहाँ रेजोनेंस उल्टा पड़ जाएगा, उल्टा पड़ जाएगा हाइड्रोजन के लिए, रेजोनेंस यहाँ भी है आर सी ओ एच, यहाँ एक पे माइनस आ रहा है तो एक पे प्लस। अभी दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को कंपेयर करोगे तो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा साफ साफ पता चल रहा है, इसमें दो तरह का चार्ज है,
चार्ज का सेपरेशन, इसमें केवल सिंगल चार्ज है, चार्ज का डीलोकलाइजेशन। फिनॉल में भी बात हम लोग देखे थे कि फिनॉल से ज़्यादा स्टेबल फिनॉक्साइड था क्योंकि वहाँ चार्ज का डीलोकलाइजेशन था, फिनॉल में चार्ज का सेपरेशन था। वैसे यहाँ कि कार्बोक्सिलिक एसिड का रेजोनेंस करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या है कि यहाँ चार्ज का सेपरेशन है, एक ऑक्सीजन पे माइनस तो एक पे प्लस, लेकिन कार्बोक्सिलेट का बन रहा है तो दोनों पे माइनस में चार्ज का डीलोकलाइजेशन। अब यहाँ जो प्लस आ रहा है वो ऑक्सीजन पे आ रहा है, मतलब एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम पे प्लस चार्ज आ रहा है, तो कितना बड़ा परेशानी का बात है ये समझ सकते हो। तो एक तो यहाँ प्लस ज़्यादा है मतलब चार्ज ज़्यादा है, यहाँ चार्ज कम है, यहाँ चार्ज का सेपरेशन है, यहाँ चार्ज का डीलोकलाइजेशन है, तो इन दोनों वजह से जो कार्बोक्सिलेट आयन है उसका रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन बेहतर होगा कार्बोक्सिलिक एसिड से। और जब कार्बोक्सिलिक एसिड में रेजोनेंस हो रहा है तो हम लोग साफ देख रहे हैं कि इस ऑक्सीजन पे मतलब जो हाइड्रोक्सिल वाला ऑक्सीजन है उस पर आ रहा है प्लस, तो वो आने से इस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी करेगा इन्हांस, तो ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा हाइड्रोजन वाले बॉन्ड का, तो इस तरह से इसका H प्लस रिजिंग टेंडेंसी भी यहाँ बढ़ रहा है। तो दो बात हुआ, एक तो ऑक्सीजन रेजोनेंस यदि दिखा रहे हैं तो ऑक्सीजन पे प्लस आने से ये हाइड्रोजन को तबाह कर रहा है, और फिर जब हाइड्रोजन निकल जा रहा है तो फिर ज़्यादा बढ़िया से रह रहा है, हाइड्रोजन एक निकलने में इसको यहाँ आसानी हो रहा है क्योंकि ऑक्सीजन परेशान कर रहा है ना, ऑक्सीजन पे प्लस आ रहा है तो हाइड्रोजन निकला जल्दी। अब हाइड्रोजन जब निकल गया तो जो कार्बोक्सिलेट बना फिर पहले से स्टेबल भी ज़्यादा है, तो H प्लस रिलीजिंग टेंडेंसी ज़्यादा हुआ पहले प्लस आने से, और बाद में H प्लस निकल गया तो उसको आराम भी बड़ा ज़्यादा फील हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन पे अब नेगेटिव आ गया और फिर उसका रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन बड़ा बेहतरीन तरीके से हो रहा है यहाँ। तो कार्बोक्सिलिक एसिड इज एसिड ड्यू टू हाईली पोलर नेचर ऑफ OH बॉन्ड एंड बेटर रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन देन कार्बोक्सिलिक एसिड इट्सेल्फ। सिंपल सा इतना सा बात हम लोग कहेंगे, इसके आगे और बहुत कहानी है, तो अभी तो बस हम लोग केवल इंट्रोड्यूस किया कि क्यों एसिड है, अब क्या वेरिएशन है, कैसे मेजर करेंगे एसिड स्ट्रेंथ वगैरह, नेक्स्ट लेक्चर से कंटिन्यू करेंगे हम लोग। धन्यवाद।